हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हर जगह से छोटी बड़ी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, एडहॉक हो या फिर परमानेंट वैकेंसी हो। एनसीईआरटी के द्वारा नई रिक्रूटमेंट को जो है जारी कर दिया गया है रिगार्डिंग टीजीटी एंड पीजीटी। अगर आप यहाँ पे एज अ टीचर ज्वाइन करना चाहते हो, इनके साथ वर्क करना चाहते हो और इसे आपके जो रेज्यूमे है ना उसमें चार चांद लगेगा, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले, अगर आप इंटरव्यू कैसे दें, इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको 500 का एक छोटा सा मिनिमम फी देना है और इसके साथ आप 6 सेशन हमारे साथ ले सकते हो 1-to-1 ऑनलाइन। जो भी आपके डाउट हैं, आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, डेमोंस्ट्रेशन कैसे देना चाहिए, साथ में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो उसका आंसर आप कैसे करें, सारी जानकारी आपको जो है इस 6 सेशन में दी जाएगी। यहां से आपको ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से जो है आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो। अब देखिए, जो वैकेंसी आई है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ देखिए 12, यहाँ से आपको 11 जनवरी की अपडेट मिलेगी। यहाँ देखिए वॉकिन इंटरव्यू की रिक्रूटमेंट आई हुई है, पीजीटी पीआरटी के अलावा कुछ और पोस्ट की भी रिक्रूटमेंट है। तो चलिए मैं सीधे पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। ये देखो पीडीएफ ये ओपन हो चुका है। ये देखो अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई है एक एक करके देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसी है, 18/1/2024 को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 18/1/2024 को 11 बजे आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। टीजीटी इंग्लिश के लिए देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने करा है तो ठीक है, नहीं तो साथ में जो है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों में से कोई भी है तो काम चलेगा। साथ में सी टेट का होना जरूरी है, बी एड का होना जरूरी है। ये 3 क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है रिगार्डिंग टीजीटी इंग्लिश। आगे देखिए, 35 साल से एज आपकी ज्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करूँ तो 18/1/2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आगे देखिए, पीआरटी के लिए जो वैकेंसी है वो है 18/1, इसके लिए भी जो इंटरव्यू की डेट है वो सेम ही रहने वाली है। 30 साल से अगर आपकी एज अधिक हो गई तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सी टेट का पेपर 1 आपके पास क्वालिफाई होना जरूरी है। अब ये देखिए, ये जो आपका बायोडाटा फॉर्म है ये यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये प्रिंट कराकर आपको जो है फिल करके जाना होगा। अब देख लीजिए सैलरी की अगर मैं बात करूं तो पीआरटी के लिए जो सैलरी है यहाँ से आप देख पाओगे, टीजीटी के लिए 21,250 रुपये, सॉरी ये जो है पीआरटी के लिए है, और टीजीटी के लिए 26,250 रुपये। इसके अलावा जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसके लिए 43,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे भेज देना है कहाँ पे, RIE यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर। एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से देख सकते हो। साथ में आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मार्कशीट है, सब कुछ आपको लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जो है सब कुछ आपको लेकर पहुंच जाना है कहाँ पर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, यहाँ से जो है आप सारी जानकारी ले सकते हो। बाय द वे, जो भी आपका डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाय द वे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट करके उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करें, तो जब भी आपके जिले से रिक्रूटमेंट आएगा उसकी सूचना आपको दी जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।